और यूक्रेन युद्ध के साथ साथ एक बहुत बड़े युद्ध का प्लान भी अब तैयार है। जी हाँ, ये प्लान अमेरिका के खिलाफ होगा। इसके प्लानर हैं शी जिनपिंग और व्लादिमीर पुतिन। क्या व्लादिमीर पुतिन और शी जिनपिंग में न्यूक्लियर मेल हो गया है? क्या दुनिया में परमाणु बमों का खतरनाक खेल शुरू होने वाला है? ये सवाल सबसे अहम है, बड़े सवाल है। रूस और चीन के बीच आखिर ऐसी कौन सी और कैसी डील हुई जो तीसरे विश्व युद्ध को भी अब बुलावा देने वाली है? रूस से एक विमान उड़ा, इसे चीन के एक सीक्रेट आइलैंड तक जाना था। इस विमान के रूट की जानकारी बहुत ही गोपनीय थी। वजह थी, उसमें जो लोड किया गया था उसकी भनक किसी और को ना लगे, क्योंकि इस विमान में कुछ ऐसा चीन जा रहा था जिसकी जानकारी लगते ही अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडन और पेंटागन के टॉप अधिकारियों की धड़कने बढ़ जाने वाली थी, क्योंकि इस विमान में उस हथियार का कच्चा माल था जिसके सहारे चीन अमेरिका की दादागिरी को खत्म करने की कोशिश में लगा है। एक ऐसे युद्ध की तैयारी में है जिससे वर्ल्ड ऑर्डर बदल सकता है, अमेरिका का वर्चस्व हमेशा के लिए समाप्त हो जाए। पुतिन के साथ मिलकर शी जिनपिंग ने महाविनाश की ऐसी प्लानिंग की है जिसे सुनकर अमेरिका के पसीने छूट रहे हैं। चीन के परमाणु गोदाम में क्या चल रहा है? अमेरिका के रक्षा मंत्रालय ने इसकी पोल खोल दी है। ड्रैगन के परमाणु शस्त्रागार में शी जिनपिंग पुतिन के साथ मिलकर किस खतरनाक प्लान को अंजाम दे रहा है, उसका ब्लूप्रिंट पेंटागन के हाथ लग गया है। अमेरिका से तनातनी के बीच चीन के परमाणु तहखाने में ताकत कैसे बढ़ाई जा रही है, इसकी प्रोग्रेस रिपोर्ट भी पेंटागन के पास पहुंच गई है। अमेरिका के रक्षा मंत्रालय पेंटागन की सरकारी वेबसाइट पर प्रकाशित इस रिपोर्ट को पढ़िए। इसमें साफ साफ और मोटे मोटे शब्दों में लिखा है, रूस कथित तौर पर चीन को समृद्ध यूरेनियम की आपूर्ति कर रहा है। समृद्ध यूरेनियम की आपूर्ति का मतलब है परमाणु बम के कच्चे माल की सप्लाई, एक ऐसी सप्लाई जो बहुत बड़े युद्ध की वजह बन सकती है। उस युद्ध के आगे बखमूद की यह लड़ाई बहुत छोटी है। उस जंग में रूस यूक्रेन युद्ध से भी ज्यादा जान जाएगी। एक ऐसी जंग जैसा अभी तक दुनिया ने देखा नहीं। वो युद्ध यूक्रेन के बखमूद से भी अधिक भयंकर होगा। उस युद्ध में यूक्रेन के सोलेदार से भी अधिक बम बरसेंगे। उस जंग में चली मिसाइलें यूक्रेन में गिरने वाली मिसाइलों से भी अधिक बारूद बरसाएंगे, क्योंकि उस युद्ध में एक तरफ होंगे रूस और चीन और दूसरी तरफ होगा दुनिया का सुपर पावर अमेरिका। अमेरिका से जंग का मतलब है नाटो से जंग, यानी एक ओर रूस और चीन दो देश होंगे, दूसरी ओर नाटो के 30 देश होंगे। पश्चिमी मीडिया ने यह दावा किया है कि पुतिन के साथ मिलकर चीन अपनी परमाणु ताकत बढ़ाने की तैयारी में है। अमेरिका सपने में भी नहीं चाहता कि चीन अपने परमाणु बमों की तादाद बढ़ाए, क्योंकि अमेरिका अच्छी तरह से वाकिफ है कि अगर चीन ने अपने परमाणु बमों की संख्या बढ़ा ली तो फिर उसे रोक पाना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन हो जाएगा। पश्चिमी मीडिया का दावा है कि चीन बड़ी संख्या में एटम बम बनाने में जुटा है, जिसमें पुतिन उसका खुलकर साथ दे रहे हैं। अमेरिकी खुफिया एजेंसियों के मुताबिक रूस ने बड़ी मात्रा में न्यूक्लियर फ्यूल चीन को दिया है। पश्चिमी मीडिया का दावा है कि यह घटना पिछले साल दिसंबर की है, लेकिन जानकारी अब सामने आई है। खबर है कि जिस द्वीप पर न्यूक्लियर फ्यूल भेजा गया वहां चीन का परमाणु रिएक्टर है। दावा है कि रूस से ताइवान के उत्तरी तट से 220 किलोमीटर दूर चांग बियाओ नाम के द्वीप पर बड़ी मात्रा में न्यूक्लियर फ्यूल की सप्लाई की गई है। दावे के मुताबिक इस द्वीप पर चीन दो फास्ट ब्रीडर रिएक्टर बना रहा है। पहले रिएक्टर का काम पहले ही पूरा हो चुका है और दूसरा 2026 में चालू हो जाएगा।
तो अमेरिकी खुफिया एजेंसियों के मुताबिक चीन अब वहां परमाणु हथियारों में इस्तेमाल होने वाले प्लूटोनियम का उत्पादन शुरू करने की तैयारी करने वाला है और जिसकी मदद से चीन अगले 12 साल में अपने परमाणु हथियारों के जखीरे को 4 गुना बढ़ा देगा और ऐसा होने की शक्ल में चीन अमेरिका और रूस के बराबरी भी कर लेगा जिसके पास इस वक्त सबसे ज्यादा एटम बम है। अमेरिकी खुफिया एजेंसियों के मुताबिक चीन अब वहां परमाणु हथियारों में इस्तेमाल होने वाले प्लूटोनियम का उत्पादन शुरू करने की तैयारी में है जिसकी मदद से चीन अगले 12 साल में अपने परमाणु हथियारों के जखीरे को 4 गुना बढ़ा लेगा और ऐसा होने पर चीन अमेरिका और रूस की बराबरी कर लेगा जिनके पास इस वक्त सबसे ज्यादा एटम बम है। चीन का ये प्लान उसके दुश्मनों और खासकर अमेरिका के लिए खतरे की घंटी से कम नहीं है क्योंकि ताइवान को लेकर चीन और अमेरिका के बीच पहले से ही तनातनी चल रही है। वहीं दूसरी ओर पुतिन अमेरिका के साथ परमाणु संधि भी तोड़ सकते हैं। उस संधि के तहत ये तय हुआ था कि अमेरिका और रूस अब अपने परमाणु बमों की संख्या नहीं बढ़ाएंगे। ऐसे में अमेरिका को चिंता इस बात की भी है कि चीन के साथ साथ रूस भी अपने एटम बमों की संख्या न बढ़ा ले। अमेरिका के खिलाफ गोलबंद हुए चीन और रूस ने एक ऐसी डील की है जिसके तहत रूस चीन को परमाणु बम का कच्चा माल पहुंचा रहा है तो बदले में चीन यूक्रेन युद्ध के दौरान रूस को हथियार देकर पुतिन की ताकत बढ़ा रहा है। सप्लाई का ये ऐसा चक्र है जिसकी बदौलत यूक्रेन युद्ध में पुतिन को हथियारों की मदद मिल रही है तो चीन को परमाणु बम के लिए यूरेनियम। बर्फ की चादर पर टहल रहे इस आयरन मैन को देखिए, यह पुतिन की सबसे खतरनाक तोप मानी जाती है। ये चलते चलते फायर करती है। अब ये तोप नॉनस्टॉप फायर करेगी क्योंकि पुतिन को मिलने वाला है चाइनीज गोला। पुतिन के तोपखाने को चीन से छोटा रिचार्ज जल्द मिल सकता है। इसमें 30,000 से भी ज्यादा गोले हो सकते हैं, कुछ 152 मिलीमीटर के तो कुछ 122 मिलीमीटर के गोले हो सकते हैं। सवाल है, पुतिन ऐसा क्यों करना चाहते हैं? पुतिन के सामने चीन से गोला बारूद लेने की नौबत क्यों आ पड़ी? अब तक ईरान से ड्रोन की सप्लाई मिलने के बाद क्यों ऐसे हालात पैदा हुए कि पुतिन को आखिर शी जिनपिंग को फोन लगाकर कहना पड़ा कि रूस को चाइनीज गोले की सख्त जरूरत है? पुतिन को फोन आया तो शी जिनपिंग ने फौरन जवाब दिया और कहा कि गोलों की सप्लाई जल्द की जाएगी, बेफिक्र रहिए। ये दावा अमेरिका का है और अमेरिका इस बात को बहुत गंभीरता से ले रहा है क्योंकि अगर पुतिन के तोप के गोलों वाला गोदाम भर गया तो ज़ेलेंस्की के पास और कम वक्त रह जाएगा। वहीं चीन का परमाणु शस्त्रागार अगर अमेरिका के बराबर हो गया तो ये अमेरिका के लिए बहुत बड़ी चुनौती बन जाएगी। अमेरिका के पेंटागन की एक रिपोर्ट में दावा किया गया है कि चीन 2035 तक 1500 परमाणु बम बनाने के प्लान पर आगे बढ़ रहा है। पेंटागन की रिपोर्ट में दावा किया गया है कि चीन ने 400 परमाणु बम बना लिए हैं। पेंटागन की सीक्रेट रिपोर्ट में दावा किया गया है कि चीन 2027 तक 700 परमाणु हथियार बना लेगा, वहीं 2030 तक अपने जखीरे में लगभग 1000 परमाणु हथियार जमा कर लेगा और 2035 तक चीन के परमाणु तहखाने में 1500 परमाणु हथियार तैयार हो जाएंगे। साफ है कि चीन की मंशा आने वाले दिनों में दुनिया पर न्यूक्लियर धाक जमाने की है। पेंटागन की उस रिपोर्ट में इस प्लान के ब्लूप्रिंट को भी बताया गया है। पेंटागन की रिपोर्ट में अंदेशा जताया गया है कि चीन ने 2020 से अपने आईसीबीएम भंडार को दोगुना कर लिया है। चीन के पास अब 300 आईसीबीएम और 300 ही आईसीबीएम लॉन्चर हैं, जो कि अभी भी अमेरिका से कम है। अमेरिका के पास 400 आईसीबीएम और 450 आईसीबीएम लॉन्चर हैं। इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल तादाद में भले ही अमेरिका के पास ज्यादा है लेकिन दावा है कि चीन ने अमेरिका के मुकाबले अधिक परमाणु बम अपने आईसीबीएम पर लगा रखे हैं और आईसीबीएम पर परमाणु बम का सीधा सा मतलब है अमेरिका तक चीन की परमाणु पहुंच। यानी युद्ध में चीन अमेरिका पर परमाणु हमला पूरी ताकत के साथ कर सकता है। वहीं नेटो महासचिव ने दावा किया कि चीन की न्यूक्लियर फैक्ट्री में परमाणु हथियार और लंबी दूरी की मिसाइलों के बनाने का काम बहुत ही तेजी से चल रहा है। वहीं जापान के इंटेलिजेंस के मुताबिक चीन के पास 1900 के करीब जमीन से मार करने वाली मिसाइलें हैं, वहीं समंदर से मार करने वाली 300 मिसाइलें चीन ने बना रखी हैं। साल 2020 में चीन ने अकेले 250 मिसाइलों का परीक्षण किया था। ये पूरी दुनिया में किए गए कुल मिसाइल टेस्ट से ज्यादा है। चीन के पास इस समय अंतरिक्ष में 200 निगरानी रेडार हैं जो धरती का चप्पा चप्पा छान मार रहे हैं।
यही वजह है कि दावा किया जा रहा है कि जंग छिड़ने से पहले चीन अमेरिका से ना सिर्फ लड़ने बल्कि जीतने की ताकत हासिल करने में लगा है। नेटो महासचिव का कहना है कि शी जिनपिंग बड़ी खामोशी के साथ यूक्रेन युद्ध पर नजर गड़ाए हुए हैं। अगर यूक्रेन युद्ध में रूस जीत गया तो ताइवान पर हमले की हरी झंडी दिखाने में शी जिनपिंग देर नहीं करेंगे। जाहिर सी बात है, उस जंग में अमेरिका भी कूदेगा। उसी सूरत में अमेरिका को कंट्रोल करने के लिए चीन रूस की मदद से तेजी से परमाणु बम बनाने में लगा है।